यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा में तैयारी है, ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। और केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट अब नए तरीके की सियासत को शुरू कर चुका है। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, यानी कि अब अगला जो कदम है वो मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर के होगा। अयोध्या काशी में भव्य मंदिर की तैयारी है, मथुरा में अब कहीं ना कहीं ये तैयारी नजर आती है, इसको ट्वीट के जरिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा स्पष्ट किया गया। तो चुनाव से पहले ये बड़ा ट्वीट है और इसको लेकर के अब जाहिर तौर पर चुनावी हलचल तेज होती हुई नजर आएगी। चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा दाव है, यूपी केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट। और अपने इस ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने जिक्र किया अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। तो अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है और इसका बार बार श्रेय लेने की कोशिश भी की जाती है, इसमें तमाम राजनीतिक दल भी अपने आप को शरीक मानते हैं, लेकिन इसमें अब ये जोड़ करके देखा जा रहा है कि मथुरा का अगला टारगेट है। तो मथुरा में तैयारी है और यहां से अब शुरुआत भी हो चुकी है सियासत की। और ये चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दाव यहां पर चला गया है और दरअसल ये ट्वीट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया और इस ट्वीट को लेकर के अब कई तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है, ये इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, सबसे पहले क्योंकि अब इस स्टेटमेंट के बाद यानी ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट के बाद से बहुत सारी चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मथुरा की बारी है और मथुरा के लिए तैयारी है, तो अब चुनाव से पहले ये स्टेटमेंट या फिर ये जो ट्वीट किया गया है ये अपने आप पे कई तरीके की राजनीति को अपने में समेटे हुए है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट एक चुनाव प्रबंधन का हिस्सा ही माना जा सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद का जो भी ट्वीट आएगा वो माना जा रहा है कि एक चुनाव की रणनीति हो सकती है। जिस तरीके से विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के चर्चा पे भाग रही है और ये पोलराइजेशन करा रही, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही, हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन शुरू से ही ये जब भी कहीं कार्यक्रम होता था तो एक पहले नारा लगता था, याद होगा शुभेंदु 92 के बाद अयोध्या का झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो बताया जाता था कि जो अयोध्या में हुआ है एक पिक्चर का ट्रेलर मात्र है, बाकी जो अभी मथुरा काशी उस ट्रेलर के बाकी हिस्से बाद में। तो आज केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है, जाहिर सी बात है कि इस पे सियासत मचेगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ही अगुवाई में 2017 का चुनाव जीता गया था, इस समय वो ज्वाइनिंग कमेटी के सक्रिय सेकेंड पोजिशन, वाजपेयी की अगुवाई में कमेटी बनी हुई है और जो भी कमेटी की बैठक होती है, चाहे चुनाव प्रबंधन की बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक होती है, तो केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी होती है। और जो इनका ट्वीट आया है तो मैंने पहले ही कहा है चुनाव प्रबंधन का हिस्सा हो सकता है। हाँ। क्योंकि विपक्ष का आरोप कि हिंदू मुस्लिम के केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, विकास पे कोई बात नहीं करती, कहीं ना कहीं डर भी है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों में उनको लगता है कि अगर अंत का दाव हिंदू मुस्लिम होगा तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक हिंदू के सामने अल्पसंख्यक मुस्लिम का वोट, जाहिर सी बात है कि जो वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी सरकार में सहभागी भी बनेंगे, तो उनको लग रहा है कि अगर इस प्रकार की चर्चा होगी तो विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा जा सकता है। जो लगातार विपक्ष के नेता, चाहे हम प्रियंका की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, यदा कदा मायावती जी की बात करें, इन लोगों का ट्वीट आता है, चाहे बुंदेलखंड का आज अखिलेश यादव का दौरा हो रहा है, किसान मुद्दे पर प्रियंका, तो उनका ये हमेशा से आरोप रहा है कि सरकार विकास पे चर्चा क्यों नहीं कराती है, जिसका शुभेंदु डर था। हाँ। उत्तर प्रदेश की लिहाज से 2022 के चुनाव हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट ये बयान कर रहा है कि 2000 को लेकर के बढ़ावा मिलेगा, साधने की कोशिश और इसी का मकसद भी था।
देखिए शुभेंदु, मैंने विपक्षी हमेशा विपक्षों के मन में डर हमेशा से रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन में मंदिर मस्जिद का मुद्दा आता है तो विपक्षी पार्टियां बायकॉट करती है उस चैनल डिबेट का। वो कहती है कि हम इस मुद्दे पर नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी जान के अपने राउंड में लेना चाह रही है। जिस तरीके से खेल होता है, कबड्डी का खेल होता है, विपक्षी खिलाड़ी को अपने घेरे में लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि उनके जाल में विपक्षी को कैसे फंसाया जाए। विपक्षी भी होशियार सतर्क कह रहा है कि हम इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे नहीं, हम इस मुद्दे पे जाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दाव खेल रही है। हाँ, लेकिन विपक्ष के सामने एक बड़ा सवाल है, बड़ा परेशानी भी है कि जिससे डर था कि हिंदू मुसलमान का मुस्लिम वाला मामला 2022 में ना हो जाए, और केशव प्रसाद मौर्य का इस प्रकार का बयान, क्योंकि अगर छोटे लेवल का किसी का बयान होता तो माना जा सकता है कि मीडिया में जगह पाने के लिए इस प्रकार के अनाप-शनाप लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन केशव मौर्य का यह बयान कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन का ही हिस्सा है, रणनीति की हिस्सा है। कल बैठक हुई थी, कल देर रात तक मैराथन बीजेपी को भी लग रहा है कि इस तरीके के स्टेटमेंट से या अगर इस तरीके की हवाएं चर्चाएं चलती हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी शुभेंदु, मैंने पहले ही कहा कि अगर वोट प्रतिशत भी जोड़ लिया जाए तो बहुसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, और जब जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पे चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा, तो अब 18% वोट लेके कुछ कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप विकास पे चर्चा कराइए, आप 4 लेन पे चर्चा कराइए। हालांकि सरकार का जो कल दो मीटिंग बड़ी हुई थी उसमें था कि हम राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। विपक्षी पार्टियों को मन में तो डर था, लेकिन ये इतना अचानक हो जाएगा, मंदिर मस्जिद की बात होने लगेगी। मैंने पहले ही कहा कि 92 के बाद 92 के बाद एक विहिप द्वारा नारा लगाया जाता था कि अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है, और आज केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि 2022 जरिए बहुत सारे इशारे हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस ट्वीट के कई मायने हैं, इसको समझना भी होगा। खैर, बहुत शुक्रिया रजनीश इस पर जानकारी के लिए।